मथुरा में बरसाना की लठमार होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। यही नहीं, लठमार होली पर बरसाना आने वालों पर नजर रखने के लिए यहां की सभी गलियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। संभावना है कि लठमार होली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं। बरसाना की लठमार होली की व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने रंगीली महल में प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इसमें महानिदेशक पर्यटन एनजी रवि कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में जिले के अफसरों ने लठमार होली को लेकर सुरक्षा प्लान का प्रस्तुतीकरण किया। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्रा ने बताया कि बरसाना के लठमार होली को देखने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहां आएंगे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रबंध और कड़े करने के संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से कराए जाने का फैसला किया गया है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। सर, मेले में सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या आपकी बार इंतजाम रहेंगे? जी, यहाँ पर जैसा आप लोग को लठमार होली भी होगी और नंदगांव में होगी, लड्डू की होली भी होगी। 2, 3, 4, 5 तारीख की पर्टिकुलर इस जगह पे जो बरसाना में काफ़ी हम लोग को श्रद्धालु इस दौरान आते हैं। सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले ट्रैफिक के कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बैरिकेडिंग हो रही है, इसको माइक्रोवेव में देख लिया गया है। और दूसरी चीज़ जब आती है सुरक्षा में खासतौर से महिला सुरक्षा के हिसाब से सादे में महिला फोर्स इत्यादि की तैनाती, हमारी जो एंटी रोमियो स्पॉट्स हैं उनका एक्टिवनेस होना। विगत वर्षों में कई गैंग्स ऐसे प्रकाश में आए जो कि स्पेसिफिकली इसी कार्य के लिए यहाँ से आते हैं, उन लोगों को पहले से चिन्हित करना, हमारी जो स्वाट SOG की टीम है उनको लगाना। सुरक्षा के लिहाज से आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो है CCTV के लिए भी यहाँ पे फंड दिया गया, जिसके तहत हम यहाँ पर CCTV लगवा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी, शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, राजपत्रित अधिकारी इसको मॉनिटर करते रहेंगे। साथ ही साथ जो नाइट पेट्रोलिंग है, मोबाइल पेट्रोलिंग है, वो भी एक्टिव है। पर्याप्त संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स रहेगी, PSC रहेगी, फ्लड PSC रहेगी, पूरा इंतजाम। कितनी PSC यहाँ? अभी हम लोगों ने मांग पत्र भेजा है, इसका एनालिसिस हम लोग और कर रहे हैं, क्योंकि साथ में बोर्ड की परीक्षा भी रहेगी। बोर्ड की परीक्षा में भी कुछ ड्यूटीज रहेगी, तो उसके अंदर हम लोग के द्वारा आकलन करने के बाद और फोर्स का डिमांड अगर किया जाना होगा तो किया जाएगा, और उसके अनुक्रम में यहाँ पर ड्यूटीज लगा दी जाएंगी। अभी भी मुख्यालय से एक कंपनी PSC हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है। सर, आज बैठक की गई है होली को लेकर, क्या क्या चर्चाएं रही हैं और क्या कहना चाहते हैं? हमारा ना आ रहा ना, पीछे ले लूँ नहीं खाते। बसंत पंचमी को ब्रज में होली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। बरसाना नंदगांव की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बरसाना की होली पूरे विश्व में जोर शोर से प्रचार हुआ है। उसी के तहत आज यहाँ बैठक हुई है। बैठक में MD पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री NS रवि जी, ब्रज विकास परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय जिलाधिकारी कप्तान साहब, सभी विभागों के अधिकारी थे। समस्त व्यवस्थाओं के बारे में आज ये डिस्कस हुआ है। पूरे मेले में 50 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरे नंबर यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था के बारे में सुचारू रूप से की जाएगी, भव्य सजावट की जाएगी, जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे, जो नकली रंग प्रयोग किया जाता है उस पर पूरी तरह पाबंदी होगी। रंग की ही होली देशों के रंगों की होली होती है, वही हमने कराई जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण दे दिया गया है, और आज से 4 दिन पहले उन्होंने भी बरसाना की होली में आने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उत्तर प्रदेश के अलावा कम से कम 15-16 प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित 3 और 4 मार्च को होंगे।
जब से आदरणीय योगी जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए हैं, तब से यहाँ पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और होली में भी संख्या श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए होली को और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए हिंदुस्तान के जो मुख्य शहर और एयरपोर्ट है वहाँ प्रचार प्रसार वहाँ भी होली के लिए, इसलिए इसको विश्व स्तर पर जो आदरणीय योगी जी ने राजकीय मेला भी घोषित कर दिया है, तीर्थ स्थल भी घोषित है, पर्यटक स्थल भी घोषित है, इसलिए इस मेले को इस होली को और ज़्यादा भव्यता प्रदान करने के लिए आज सभी समस्याओं में है विचार गंभीर रूप से हुआ है और इन समस्त सुविधाओं को जुटाने का एक मसौदा तैयार किया है जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रदान करेंगे। सर पिछली बार जब योगी जी बरसाना आए थे उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री या यूं कह ले हरियाणा को हमारे ब्रज की होली से जोड़ा था, तो इस बार ब्रज की होली से कौन से राज्य को जोड़ा जा सकता है? देखिए ये प्रयास कर रहे हैं, मणिपुर भी अपने आप को भगवान कृष्ण की स्थली और लीला स्थली मानता है, मणिपुर को भी प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र से भी हमारा सांस्कृतिक समझौता है, हमारा MOU साइन हुआ था महाराष्ट्र से भी और राजस्थान से भी हमारा है, हरियाणा से भी है, हम सभी को निमंत्रण भेजेंगे, उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से हमारे बरसाना की होली में। क्या आपकी बात बरसाना में आने के प्रोग्राम पहले रखा गया था, क्या आपके नंदगांव में भी रखा जा रहा है? अब नंदगांव में भी होगा लेकिन बरसाना में तीन और चारों पीएम को भी भेजा जाएगा होली का संदेश, पीएम को भी भेजा जाएगा होली का संदेश। देखिए ये बात तो आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे। सर रंगोत्सव को लेके नहीं है, डाक टिकट पे लगाने की जो जारी किया गया है क्या वो लगाया जाएगा? आदरणीय राज्यपाल महोदय 13 तारीख विधानसभा में जब अपना भाषण पढ़ा उसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक 5 प्रोग्रामों का वर्णन किया गया, कुंभ प्रयाग, अयोध्या में दीपावली दीपोत्सव, देव दीपावली बनारस और यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव और बरसाना के रंगोत्सव, 5 जो सांस्कृतिक प्रमुख प्रोग्राम थे उनमें 2 अकेले पृष्ठभूमि के थे, इसलिए पृष्ठभूमि में विशेष रूप से क्योंकि ये भगवान कृष्ण की लीलामयी प्रेममयी स्थली है, यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री का विशेष रुचि होती है, जितनी भी भव्यता जितनी दिव्यता प्रदान की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।